गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास हमने हमारे लास्ट एक्सप्लेनेशन में हम हाइड्राइड टॉपिक जो पढ़ रहे थे उसका दूसरा टाइप यानी कि हाइड्राइड का दूसरा प्रकार कोवेलेंट हाइड्राइड जिन्हें हम सहसंयोजक हाइड्राइड भी कहते हैं ये हमने कंप्लीट किया था। इसके अलावा मैंने आपको वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता किसे कहते हैं इसके बारे में बताया था, कैसे हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी फाउंड कर सकते हैं, क्यों जो है ऑक्टेट का जो नियम होता है अष्टक का जो नियम होता है इसके बारे में बताया था कि क्यों लोग बंद बनाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड एंड लास्ट टॉपिक है हमारा पॉलीमेरिक हाइड्राइड एंड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड जिसे हम जटिल हाइड्राइड भी कहते हैं और मेटेलिक हाइड्राइड को धात्विक हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड जिसे अंतरकाशीय हाइड्राइड भी कहा जाता है। ये दोनों जो हाइड्राइड होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं बट दे आर इन अवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में है तो हम इन्हें पढ़ लेते हैं। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो है रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स अभिक्रियाएं। आप पहले भी आपने रिडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में क्लास 10th में पढ़ा होगा लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको वहाँ पर क्या होता था कि आपको पहचानना होता था कि रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं उसमें आपका अपचायक कौन सा है, आपका ऑक्सीडेशन है ऑक्सीकारक है वो कौन सा है, यानी कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है रिडक्शन कहाँ हो रहा है ये पहचानना होता था। यहाँ पर भी स्टार्टिंग वहीं से होगी लेकिन अब आपको जो आप बैलेंसिंग करते थे केमिकल रिएक्शंस की, जो संतुलन करते थे अपनी अभिक्रियाओं का, उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपके दो मेथड आपके सामने आएंगे, खैर वो चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और आज का पहला टॉपिक मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म्ड बाय डी एंड एफ ब्लॉक मेटल। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब आपने सबसे पहला हाइड्राइड जो पढ़ा था आयनिक हाइड्राइड वो आपने पढ़ा था तब बनता है जब आप एस ब्लॉक तत्व यूज़ करते थे, एस ब्लॉक तत्वों का उपयोग करते थे यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स यूज़ करते थे, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम। देन आपने सेकेंड जो हाइड्राइड पढ़ा कोवेलेंट हाइड्राइड यानी सहसंयोजी हाइड्राइड वो कैसे बनता था, जब आप पी ब्लॉक तत्वों का उपयोग करते थे। एंड नाउ जो मेटेलिक हाइड्राइड होता है जो धात्विक हाइड्राइड होता है वो हमारे बनाते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व या डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो मेटल हैं जो धातु हैं हमारी, इसीलिए इनको धात्विक हाइड्राइड कहा जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में जो चार तरह के आपके एलिमेंट पाए जाते थे, फोर टाइप्स के जो एलिमेंट थे पी ब्लॉक एस ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक, उन चारों के बारे में यहाँ पर उन चारों ने ही क्या कराया है हाइड्राइड बनाया है। तो दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म बाय डी एंड एफ ब्लॉक मेटल्स। दीज हाइड्राइड्स आर यूजुअली नॉन स्टाइकोमेट्रिक। नॉन स्टाइकोमेट्रिक का मतलब यहाँ पर बताना चाहूँगा कि स्टाइको और नॉन स्टाइकोमेट्रिक का मतलब होता है कि जब आपके जो एटम हैं जो आपके परमाणु हैं वो मॉलिक्यूल बनाने के लिए यानी कि अणु बनाने के लिए एक निश्चित रेशियो में निश्चित अनुपात में यानी कि फिक्स रेशियो में जब आपस में मिक्स होते हैं जाकर के तो वो स्टाइकोमेट्रिक होते हैं, लेकिन जब वो एक निश्चित अनुपात में ना हो करके दशमलव में एक दूसरे में ऐड हो जाए जाकर एक दूसरे से जुड़ जाए जाकर के तो उन्हें कहा जाता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक। हिंदी में स्टाइकोमेट्रिक का मतलब होता है असमानुपाती और स्टाइकोमेट्रिक का मतलब होता है समानुपाती और नॉन स्टाइकोमेट्रिक का मतलब होता है असमानुपाती, इसीलिए इनके नाम से ही इनका मतलब जाना जाता है। तो इस वर्ड में कंफ्यूज मत होइएगा कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। तो आपके जितने भी मेटलिक हाइड्राइड हैं जो धात्विक हाइड्राइड है वो क्या होते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं। एग्जाम्पल आप खुद देख लीजिए, टाइटेनियम का हाइड्राइड जो है उसमें हाइड्रोजन कितना है 1.73। जो लेंथेनम है एल ए लेंथेनम होता है लेंथेनाइड होता है आपका, तो लेंथेनम में हाइड्रोजन कितना है 2.8 आपने लिया हुआ है रेशियो। तो दीज हाइड्राइड्स आर मिक्स्ड विद ईच अदर इन नॉन स्टाइकोमेट्रिक फॉर्म, ये क्या होते हैं असमानुपाती होते हैं। सेकेंड पॉइंट, दीज हाइड्राइड्स हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट मेटल दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड। ये जो धातु ये जो आपके धात्विक हाइड्राइड हैं जो मेटेलिक हाइड्राइड हैं इनके जो गुण होते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल अपने उसी ही धातु की तरह होती हैं जिनसे ये बने हुए हैं। पेरेंट मेटल का मतलब ही है कि जिस धातु से इन्हें बनाया गया, जैसे हमारे पेरेंट का मतलब होता है कि जिनने उन्हें हमें जन्म दिया, वैसे यहाँ पर पेरेंट मेटल का मतलब होता है कि जिस मेटल से जिस धातु से आपने इस हाइड्राइड को बनाया है और इनकी प्रॉपर्टीज उसकी उनकी तरह होने की वजह से इन्हें मेटेलिक हाइड्राइड यानी कि धात्विक हाइड्राइड कहा जाता है। इन दीज हाइड्राइड्स हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज सम इंटरस्टिशियल साइट्स इन मेटेलिक लैटिस। एक्चुअली में मेटल जो होता है आपका कोई भी धातु होता है
वो बनता कैसे कि मेटल के जो अणु होते हैं, जो धातुओं के जो अणु, जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो या फिर आप परमाणु भी कह सकते हैं एटम, वो एक फिक्स्ड स्पेस में पाए जाते हैं इस तरह से। जैसे सोडियम है तो सोडियम यहाँ पर एन ए एन ए एन ए एन ए इस तरह से, आयरन है तो आयरन यहाँ पर पाया जाएगा, टाइटेनियम पाया जाएगा। तो उनकी अपनी एक फिक्स प्लेस होती है, एक निश्चित स्थान होता है जिसे लेटिस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? लेटिस कहा जाता है। तो हाइड्रोजन जो है वो इन्हीं लेटिस के बीच में आकर के क्या होता है? बॉन्ड बनाता है, यानी बंध बनाता है बीच में आकर के। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इंटरस्टीशियल हाइड्राइड भी कहा जाता है, अंतःकाशी। क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाने के लिए कहाँ जुड़ रहा करके, जो धातु हैं, जो मेटल हैं, उनके लेटिस के बीच में। इंटरस्टीशियल का मतलब होता है बीच में, साइट माने जगह। तो बीच में जो जगह है वहाँ पर आकर के हाइड्राइड हाइड्रोजन जो है जुड़ता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इंटरस्टीशियल हाइड्राइड या अंतःकाशी हाइड्राइड। तो आई थिंक ये दोनों नाम के मतलब जो है आप समझ गए होंगे। देन थर्ड, द ट्रांजिशन मेटल ऑफ ग्रुप 7, 8 and 9। पीरियोडिक टेबल आप जब उठाइएगा तो उसमें 7, 8, 9, ये 7, 8, 9 जो आपका ग्रुप नंबर है, उसमें आपके जो ट्रांजिशन मेटल, जिनको कहते हैं हम संक्रमित धातुएं, ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, रुबीडियम है, ये सारे जो होते हैं डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, ये हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। एंड दिस रीजन ऑफ पीरियोडिक टेबल इज रिफर्ड एज हाइड्राइड गैप। इसको हाइड्राइड गैप कहा जाता है क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स को देखेंगे, इन तत्वों को देखेंगे, तो ये हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। तो ये एक पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्राइड गैप। हिंदी में मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स डोंट वरी अबाउट इट। देन फोर्थ प्रॉपर्टी, द डेंसिटी इज लोअर देन दोज ऑफ मेटल्स फ्रॉम विच दीज आर फॉर्म्ड एज इंटरस्टीशियल हाइड्रोजन एक्सपेंड्स मेटेलिक लेटिस। इनकी जो डेंसिटी, इनका जो घनत्व होता है, वो इनकी जो धातु थी, जो मेटल था, उनसे इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि अब इनके मेटल्स में जो लेटिस थी, जो इनका स्थान था, उसमें बीच बीच में क्या आ गई? हाइड्रोजन आ गई है। तो हाइड्रोजन क्या करती है? इसे एक्सपेंड कर देती है, यानी कि फैला देती है। और एक्सपेंड करने की वजह से ही जो मेटलिक हाइड्राइड होते हैं, जो धातुक हाइड्राइड होते हैं, उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देन फिफ्थ पॉइंट, दीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द मेटल इन H2 एंड आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने का मतलब ही है कि आप क्या कर रहे हैं? आप चेन कर रहे हैं धातु का, जो मेटल है आप उसका रिडक्शन कर रहे हैं। तो आपको उचित अपचायक की, यानी कि एक परफेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट की क्या होगी? हेल्प होगी। सिंपली आप मेटल को क्या कर दीजिए? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा करके उसे हीट कर दीजिए, तो आपके मेटलिक हाइड्राइड आपको मिल जाएंगे। तो ये था हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट मेटलिक हाइड्राइड। इसे आप हिंदी में समझ लेते हैं। तो थर्ड टाइप है हमारा धात्विक या अंतरकाशी हाइड्राइड। डी ब्लॉक तत्व, जिन्हें हम संक्रमण धातुएं कहते हैं, तथा एफ ब्लॉक के तत्व धात्विक हाइड्राइड बनाते हैं। ये हाइड्राइड सामान्यतः असमानुपाती होते हैं, यानी कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक। असमानुपाती का मतलब मैंने बताया था कि इसमें जो आपके परमाणु होते हैं वो अणुओं को बनाने के लिए क्या होते हैं? समान अनुपात में एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे आप उदाहरण से देख लीजिए, टाइटेनियम है, इसको अपना हाइड्राइड बनाने के लिए अगर आपने एक मोल जो है टाइटेनियम लिया, तो हाइड्रोजन के कितने मोल लेने पड़ रहे हैं? 1.73। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आपने 1 ग्राम अगर टाइटेनियम लिया, तो आपको हाइड्रोजन कितना मिलाना पड़ेगा? 1.73 ग्राम, यानी कि 1.73 ग्राम आपको क्या लेना पड़ेगा? हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, तब हाइड्राइड मिलेगा। जबकि बाकी आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े होंगे, वो H2O, CO2, FeSO4, तो यहाँ पर सब क्या होता है? एक समान अनुपात में जो परमाणु हैं वो मिलकर के अणु बनाते हैं। लेकिन जो आपके धात्विक हाइड्राइड होते हैं, वे असमान अनुपात में क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, असमान अनुपात में मिले होते हैं, इसीलिए इनको असमानुपाती भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट, चूंकि इनके गुण मार्त धातु से मिलते हैं, अतः इन्हें धात्विक हाइड्राइड भी कहते हैं। पेरेंट मेटल वर्ड मैंने बताया था, मार्त धातु का मतलब है कि जिस धातु से ये बने होते हैं हाइड्राइड, उनसे इनके गुण की प्रॉपर्टीज बहुत मैच खाती हैं, इसीलिए इन्हें धात्विक हाइड्राइड यानी मेटलिक हाइड्राइड भी कहते हैं। और इनमें धात्विक चमक होती है, मेटल की शाइनिंग होती है। इन हाइड्राइडों में जो हाइड्रोजन है वो धात्विक जालक कक्षिक में अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित होते हैं। इस पॉइंट को भी मैंने आपको डायग्राम से बताया था इंग्लिश में, कि जो आपके मेटल होते हैं, जो धातुएं होती हैं, जैसे अब मेटल है, कोई भी मेटल केवल एक एटम से, एक परमाणु से तो मिलकर बना नहीं होगा, बहुत सारे परमाणु मिलकर के क्या बना रहे होंगे? उस धातु को बना रहे होंगे। तो फॉर सपोज कि ये आपका सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल में, यानी सोडियम धातु में
जो सोडियम के परमाणु होंगे वो क्या होंगे, एक निश्चित स्थान पर उपस्थित होते हैं और इन स्थानों को ही क्या कहा जाता है, कक्ष। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको जालक कक्ष कहते हैं। तो जब आप धात्विक हाइड्राइड बनाते हैं तो धात्विक हाइड्राइड बनाने के लिए आपको धातु की जो अभिक्रिया है वो आपके किससे करानी पड़ेगी, हाइड्रोजन से करानी पड़ेगी। तो धातुओं के जो परमाणु हैं वो तो अपने निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगी, वो इनको इनके स्थान से हटा तो सकती नहीं है। तो हाइड्रोजन क्या करती है, इनके बीच में जा कर के यहाँ पर जुड़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इन हाइड्राइडों में हाइड्रोजन धात्विक जालक कक्ष, ये जो आपका धात्विक जालक कक्ष देख रहे हैं, में अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित होती है। जो बीच का स्थान है इसे ही हम अंतराकाशीय स्थान कहते हैं, इंग्लिश में ही इसे कहा जाता है इंटरस्टीशियल साइट्स, यहाँ पर जाकर उपस्थित होती है। अतः इन्हें अंतरकाशीय हाइड्राइड भी कहते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं तथा इनमें चुंबकीय गुण होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे और इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। वर्ग 7, 8, 9 जो आपका वर्ग था पीरियोडिक टेबल में, आवर सारणी में 7, 8, 9 या आप सिर्फ 8वें वर्ग को भी कह सकते हैं, उसमें जो तत्व पाए जा रहे हैं जैसे मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, ये सारे तत्व क्या नहीं करते हैं, हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। और इसी वजह से इसे हाइड्राइड अंतराल, जिस मैंने कहा था हाइड्राइड गैप के बारे में हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, तो इन्हें हाइड्राइड गैप यानी कि हाइड्राइड अंतराल कहते हैं, क्योंकि ये तत्व बीच में क्या होंगे डी ब्लॉक में, कि ये मेटलिक हाइड्राइड यानी कि धात्विक हाइड्राइड नहीं बनाएंगे। देन लास्ट पॉइंट, इसमें घनत्व मार्त धातु के घनत्व से कम होता है। जिस भी पेरेंट मेटल, जिस भी मार्त धातु से बने, जिस मेटल से ये हाइड्राइड बने हैं उनसे इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि अंतरकाशीय जो स्थान था, जो आपकी इंटरस्टीशियल साइट थी, वहाँ पर हाइड्रोजन आने की वजह से जो आपका जालक है, जो आपका इंटरस्टीशियल साइट है, वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, और फैलने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दिस वॉज अवर टॉपिक धात्विक, जिसे हम मेटेलिक हाइड्राइड भी कहते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज बहुलकी अथवा जटिल हाइड्राइड, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमरिक और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। वेरी सिंपल, इनमें क्या होता है, सामान्यतः ये उन तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं जिनकी विद्युत ऋणात्मकता 1.4 से 2.0 के मध्य होती है। मींस केवल वही एलिमेंट्स इन हाइड्राइड्स को बना सकते हैं जिनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1.4 से 2.0 के बीच में हो। इनमें एकलकी हाइड्राइड इकाइयाँ बहुलीकृत होकर बहुलक देती हैं, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे जो हाइड्राइड होंगे वो मिल करके क्या बना लेंगे, एक बड़ा हाइड्राइड, मतलब कि एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड या फिर पॉलीमरिक हाइड्राइड कहते हैं। पॉलीमर का मतलब ही होता है बहुत सारे, मतलब पॉली माने मैनी और मर माने यूनिट, बहुत सारी यूनिट मिल करके जब किसी कंपाउंड को बनाती हैं तो उसे पॉलीमर कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, बेरिलियम हाइड्राइड की पावर n, यहाँ पर जो स्मॉल सा n देख रहे हैं इसका मतलब है कि n मॉलिक्यूल हमने यूज़ करे हुए हैं। एल्युमिनियम हाइड्राइड की पावर n, सिलिकॉन हाइड्राइड की पावर n, तो n का मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n अणु हमने यहाँ पे क्या किए हैं, उपयोग करे हैं। जटिल हाइड्राइडों में जो हाइड्रोजन होता है वो लीगेंड की तरह व्यवहार करता है। लीगेंड क्या होते हैं, लीगेंड ऐसे परमाणुओं को कहा जाता है, ऐसे एटम्स को कहा जाता है जिनमें किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, ताकि जो दूसरा वाला परमाणु है वो अपना अष्टक क्या कर सके, पूर्ण कर सके। तो इसे कहते हैं लीगेंड। तो आपके जो बहुलकी या जो जटिल हाइड्राइड होते हैं वे क्या करते हैं, लीगेंड की तरह, उनमें जो हाइड्रोजन होगा वो लीगेंड की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा। पॉलीमरिक हाइड्राइड एंड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, दे आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोमरिक हाइड्राइड। ये क्या है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मर माने यूनिट, तो आपकी जो हाइड्राइड की सिंगल यूनिट होती है वो बहुत सारे मोनोमर मिलकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। कॉमनली दे आर फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज लाई बिटवीन 1.4 to 2.0, यानी कि केवल वही एलिमेंट्स आपके पॉलीमरिक हाइड्राइड बना सकते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, 1.4 से 2.0 के बीच में हो। और बनाते कौन कौन है, लीथियम है, बेरिलियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, इंडियम है, ये सारे जो एलिमेंट होते हैं ये आपके पॉलीमरिक हाइड्राइड बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो N आप देख रहे हैं BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड, N का मतलब है कि इसमें N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है आपने हाइड्राइड बनाने में उपयोग किए हुए हैं।
और जो आपके कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड होंगे, इन कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड H माइनस एक्ट एज लीगेंड, H माइनस जो आयन होता है वो लीगेंड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि H माइनस है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसको, जो भी इसके साथ मेटल प्रेजेंट होगा उसे इलेक्ट्रॉन देने की इसमें टेंडेंसी होती है। लीगेंड हमारे ऐसे एटम्स को कहा जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, ताकि कोई दूसरा एटम जो उनसे जुड़ा हुआ है वो अपना ऑक्टेट क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। आई होप कि आपको जो हाइड्राइड पोर्शन है वो समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, एंड हाइड्रोजन चैप्टर के नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, जब कॉपी चेक करने के लिए बुलाया जाएगा तब आप लोग जो है आकर के कॉपी चेक करवा लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स जब भी पूछे जाएंगे, जो भी आपका टेस्ट लिया जाएगा, वो चैप्टर के 20 से ही किसी भी पॉइंट से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर मैंने पहले ही बता दिया आपका, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया, ये आपका अगला चैप्टर होगा, तो आप लोग खुद से भी बुक में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।